मंडी में आम आदमी पार्टी के रोड शो को लेकर भाजपा एवं कांग्रेस के खेमों में हलचल बढ़ गई है। आपने मुख्यमंत्री के गृह जिला से चुनावी शंखनाद किया है, जिससे सत्ताधारी दल के साथ साथ 2022 के लिए सत्ता का सपना देख रही कांग्रेस पार्टी भी घबराई हुई है। सत्ता दल इसीलिए डरा हुआ है क्योंकि हिमाचल में हर 5 साल बाद सत्ता परिवर्तन होता रहा है, जबकि कांग्रेस का डर ये है कि अभी तक आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर ही सेंध लगाई है। हालांकि भाजपा व कांग्रेस पार्टी के नेता आपको अपने लिए खतरा नहीं मान रहे हैं। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज का कहना है कि आप पार्टी की कोई विचारधारा नहीं है। जिस विचारधारा के साथ अन्ना हजारे ने आंदोलन शुरू किया था, उनको साइड कर पार्टी बना ली और दिल्ली की जनता को गुमराह कर सत्ता हत्या की। पंजाब में भाजपा का आधार नहीं है, इसीलिए आप वहां भी आ गए, लेकिन हिमाचल के लोगों को केजरीवाल गुमराह नहीं कर सकते। राठौर साहब, जिस तरह से आम आदमी पार्टी का रोड शो मंडी में हो रहा है, कितनी बड़ी चुनौती जो है आप अपनी पार्टी के लिए मानते हैं? देखिए, किसी भी राजनीतिक दल को अधिकार है कि वो रैलियां करें, रोड शो करें, ये लोकतंत्र में सबको अधिकार है। अब जहाँ तक जिस पार्टी की बात आप कर रहे हैं, आज उन्होंने बड़े जोरों शोरों से प्रचार किया था कि मंडी में एक बहुत बड़ा रोड शो करने वाले हैं, जिस रोड शो में लाखों की भीड़ जुटने वाली है, और जो राष्ट्रीय संयोजक है वो भी आए, पंजाब के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री उस रैली में, उस रोड शो में हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन मेरी सूचना के मुताबिक वो रोड शो में ज़्यादा लोग नहीं जुट पाए। हिमाचल के लोग बहुत ज़्यादा कम हैं, बाहरी जो राज्य है वहाँ से जो है लोगों को लाया गया है। मुझे लगता है कि इस रोड शो का कोई असर होने वाला नहीं है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो मुकाबला है आज से पूर्व भी कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में होता रहा है, और जब भी किसी तीसरे दल ने विकल्प बनने की कोशिश की है वो कभी हिमाचल में कामयाब नहीं हुआ है। देखिए, मेरी जो सूचना है उस सूचना के मुताबिक इस रोड शो का बहुत जोरों शोरों से प्रचार किया गया था, कहा जा रहा था कि इसमें जो है लाखों लोग सम्मिलित होंगे, लेकिन अभी जो जानकारी मुझे मिली है इसमें जो जन समर्थन है वो नहीं मिल पाया। हिमाचल से बहुत कम लोग इस रोड शो में आए हैं, हालांकि दो मुख्यमंत्री दिल्ली और पंजाब के इस रोड शो में हिस्सा ले रहे हैं, उसके बावजूद भी कम संख्या इस बात को इंगित करती है कि हिमाचल में जो है इस पार्टी के प्रति लोगों में कोई उत्साह नहीं। इनकी प्रॉब्लम पता क्या है आपकी?